लोकसभा चुनाव 2019 का छठा चरण 12 मई को पूरा हो गया, जहां पर दिल्ली में सबसे कम आंकड़ों में वोटिंग हुई ऐसा कहा जा रहा है। तो वहीं प्रियंका गांधी ने राजधानी नई दिल्ली में वोट डाला, जहां पर मतदान के बाद अपने 90 वर्षीय पड़ोसन ज्वाला देवी को उन्होंने गले लगा लिया। दरअसल कहा यह जा रहा है कि ज्वाला देवी उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की निवासी है और वो प्रियंका गांधी के लोधी एस्टेट आवास के बाहर पिछले 20 सालों से रह रही है। उनका 7 सदस्यीय परिवार मोहल्ले के सरकारी आवासों में घरेलू नौकर के रूप में काम करता है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने तुरंत ज्वाला देवी के पास जाकर उनका हाल चाल पूछा और उन्हें गले भी लगाया। तो वहीं यहां पर ज्वाला देवी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि प्रियंका गांधी ने मुझसे पूछा कि मैंने वोट दिया या नहीं, मैंने उन्हें यहां पर उंगली की साई भी दिखाई और उसके बाद वो मेरे साथ फोटो तक खिंचवाने लगी। हालांकि ये स्पष्ट कर दें आपको कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने यहां पर उनसे किसे वोट डाला है ये नहीं पूछा है। कहा यही जा रहा है कि कहीं ना कहीं इस बुजुर्ग महिला को गले लगाकर प्रियंका गांधी वाड्रा भी शानदार राजनीति खेलती देखी जा रही है। SP9 न्यूज से नैंसी की रिपोर्ट।